सर वो देख रहा आप पेड़ के पीछे, ऐसा लग रहा कोई देख रहा है हमें। गाइस गाइस देखो, गाइस देखो, गाइस देखो, ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा है। गाइस देखो, आज हम इस किले के अंदर जाएंगे और आपको इसके बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो चलते आइए इसके अंदर। सर थोड़ा संभल कर आना है ना। आओ तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितना पुराना ये किला है। इसकी दीवारें देखो कितनी मोटी मोटी हैं। ठीक है, और अच्छा खासा डर भी लग रहा है। ठीक है, नजर हमें बनाए रखनी पड़ेगी कहां पर क्या है। तो चलो चलते हैं अंदर। ओ भाई देख रहे हो जरा, नहीं मतलब गजब की जगह है यार। ठीक है, तो जो मेरे साथी थे वो तो इसके अंदर आने से मना कर गए। उनका तो मानना था कि भाई हम तो यहाँ नहीं आ रहे। ठीक है, और मैंने कहा चल के देखे तो सही। वहाँ पर एक कमरे जैसा कुछ बना हुआ है और इतना पुराना है कि इसके अंदर जो पेड़ हैं, अगर हम इन पेड़ों की बात करें तो लगभग इन पेड़ों की उम्र होगी 30-40 साल। तो देखिए जय श्री हनुमान जी। तो अच्छा खासा है। ठीक है, हाँ, तो इस किले के बारे में हम आपको बता दें कि ये जो किला है सिंधिया वंश के जो संस्थापक है राणोजी राव सिंधिया, ठीक है, उनकी समाधि के जस्ट पास ही ये किला बना हुआ है। और इस किले के अंदर शायद हम आने वाले पहले ही हैं, हम पहले ही लोग हैं जो इस किले के अंदर आए हैं आज। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि हमसे पहले कोई इस किले में आया भी होगा। ठीक है, ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ पौधे कटे हुए यहाँ पे पड़े हैं। ओ भाई, आप अंदाजा लगा सकते हो कितना खतरनाक होगा ये दृश्य रात के समय अगर कोई आना चाहे तो। ठीक है, तो सिर्फ एक एडवेंचर के लिए हम यहाँ पे आए घूमने फिरने, बाकी तो कोई खास इरादा है नहीं यहाँ आने का। और ना यहाँ आके उतनी अच्छी कोई फीलिंग आ रही है कि कोई राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, देख सकते हो आप दीवारें किस तरह से डैमेज हो रखी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ की स्थिति है। और हमारे राहुल सर की हालत तो बहुत ज़्यादा पतली हो गई। ठीक है, मतलब हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ, कुछ नहीं है, चिड़िया है वो। ठीक है, हाँ बताता हूँ। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे, इन्होंने बोला है हमसे। ठीक है, है ना, सीताफल का पेड़ तो है भाई साहब। ठीक है, स्थिति देख रहे हो आप जरा। हाँ आ जाओ ना, अभी आ जाओ, आ जाओ, देखते हैं। तो ऐसा लग सकता है कि जब उनकी समाधि यहाँ पे बनाई गई थी तो हो सकता है कि उसके लिए कुछ ये बनाया गया था, और ऐसा कुछ नहीं है, गाँव के बीचों बीच है ये जगह, है ना। तो ऐसा कोई डरने वाली बात इतनी भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लोग यहाँ से निकलते हैं डेली, और अच्छी खासी साफ़ सुथरी जगह। देखो ऐसा कुछ नहीं कि आपको अगर सांप आए तो आप देख नहीं पाओगे, क्या नहीं सीधे सांप आके आपसे बोलेगा भाई मैं आ गया तेरे पास और काट लूँ क्या, है ना। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही कुछ खास। यहाँ पे शाम का वक्त है और नज़ारा बेहद खूबसूरत है, देख लो ढलता हुआ सूरज है, ठीक है ना। दीवारें देखो बस, आप तो देखने के लिए दीवारें ही बची यहाँ पे, है ना। इनको हमारे मालवी भाषा में कहा जाता है आलिये। ये जो नीली नीली पन्नी रखी देख रहे हो ना आप, इनको हमारी मालवी भाषा में कहा जाता है आलिया, ठीक है। आलिया भट्ट वाला आलिया नहीं है ये, है ना। कुछ रखने के लिए जो जगह होती है वो आलिया होता है, ठीक है। तो ये सीन है भैया यहाँ का, है ना, ठीक। तो ऐसा ऐसा सीन है। एक सेकेंड